तो हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से मैं आपको मैथ पढ़ाया करूंगा। आज से मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथ के पूरे सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। तो आज से मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एचसीएफ के क्वेश्चंस। आपने एचसीएफ के क्वेश्चन तो पहले सॉल्व किए होंगे, मगर इस बार आपका आया क्लास 10 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसका मेथड अलग होता है, इसे सॉल्व करने का पूरा तरीका आसानी से सिखाऊंगा आपको मैं। चलिए तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब गाइस आपको जैसे याद होगा, आपने पिछली क्लास में वो निकाले थे एचसीएफ, वो कैसे निकालते थे आप। जैसे आपको दो नंबर दे दिए गए 18 एंड 12, तो आप उसको कैसे निकालते थे। पहले हम लेते थे 18 को एक साइड और दूसरी साइड 12। अब हम इनका एचसीएफ निकालना चालू करते थे। जैसे इसका 18 का क्या आएगा, 2 9 ज़ा, और ये 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब इसका 12 का क्या होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। और अब हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर को लिखेंगे पहले 18 और 12, और फिर हम इसको देखेंगे कि इसके मल्टीपल्स क्या हैं। इसके मल्टीपल्स हैं जैसे 18 के हमने देखे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसके मल्टीपल्स क्या हैं 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका जैसे आंसर निकला हमारा 2 3 6, और हमारा आंसर आ गया 18, इसका 12। अब हमें इसमें देखना है कि सिमिलर क्या है इसमें। सिमिलर जैसे इसमें दोनों में है 2 और इसमें सिमिलर है 3। अब हमने इसको सिमिलर को ले लिया, अब हम इसको सिमिलर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6। अब हमें यहाँ इसका पता चल गया कि इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ इज इक्वल टू 6। ये तो आप सभी को आता ही होगा कि हमने बचपन में सबने सीखा है ये, मगर अब इस बार आपका आया नया मेथड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और गाइज ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर साल आपका 1 या 2 नंबर में इसका क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। अब मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो चलिए अब आपको सिखाता हूँ मैं इस मेथड से सॉल्व करना। अब मैं आपको जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हमारा जैसे देखिए गाइज, हमारा फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। अब हमें 135 एंड 225 का एलसीएम निकालना, एचसीएफ सॉरी। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका मेथड में क्या होता है, जैसे ये है बड़ा नंबर, अब हमें बड़े नंबर को जो है इधर की साइड लेना और छोटे नंबर को इधर। जो भी बड़ा गाइस हो, किधर की भी साइड बड़ा हो सकता है वो, मगर आपको उसको इसमें अपोजिट में रखना, और फिर हमें लगाना इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पर आ जाएगा जैसे 135, तो अब हमें ये देखना है कि 135 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो इसके इक्वल है या फिर इससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर इसमें हमें देखना है कि अगर 135 में को 1 से करा तो 135 आ गया, मगर हमें इसके इक्वल लाना है तो हमें दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा, हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा दूसरा नंबर। तो आप बताइए इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा। जैसे 135 में +90 करेंगे तो हो जाएगा 225। अब हमने इसमें प्लस कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 90। तो अब जैसे 135 इंटू 90, 225 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये नंबर लेना है जिससे हमने इसको शुरुआत करी थी, ये 135 आ गया, और जो नंबर हमने प्लस किया था फिर वाला नंबर लेना है 90। अब गाइज वही सेम मेथड, अब इसको इसमें लाने के लिए हमें देखना है कि ये कितने में मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे 1 से फिर से, क्योंकि एक ही बार में जा सकता है, अगर दूसरी बार करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमें इससे गाइज एक ही उससे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें इसमें प्लस करने पड़ेंगे 45। अब जब हमने इसमें 45 प्लस कर दिया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद वही सेम मेथड, 90 इधर और फिर यहाँ पे 45। अब गाइस यहाँ पे हमें इससे 2 से कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा और प्लस में 0। तो अब जैसे इसका आ गया एच सी एफ ये, अब हमें यहाँ पे क्योंकि कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये नंबर जो है हमारा 45, ये इसका एच सी एफ होगा, एच सी एफ इजिकल्स टू 45। तो बस ये गाइस यही सिंपल सा मेथड था इसका, ज़्यादा इसको लोग बोल देते हैं हार्ड, मगर ये होता इजी है। बस जैसे आपने समझ लिया ऐसे ही उसके और नेक्स्ट पार्ट होंगे। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट उसका है ये 867 एंड 225।
अब आपको ये वाला पार्ट जो है ये तो होमवर्क में करना है। अब मैं आपको ये वाला पार्ट कराऊंगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे हमने ये लिख लिया है 867 एंड 255, अब हमें उसी मेथड से करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका। अब जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 867 इक्वल्स टू 255, अब ये 255 है। अब हमें इसे देखना है इसे मल्टीप्लाई करके या तो इसके इक्वल आ जाए इससे छोटा आ जाए। अब आप सोचिए इसको 255 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके इक्वल आए या छोटा है। मेरे हिसाब से इसको हम 255 को 3 से करके देख लेते हैं। 3 5 15, 5 1 16 16 1 3 2 6 7 65। अब हम इसे अगर गाइस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 765। अब 765 में हम ऐसे क्या नंबर प्लस करेंगे इसके इक्वल आ जाए, 102 प्लस करेंगे इसमें गाइस। अब यहाँ पे प्लस हो गया 7 6 और ये 8 आ गया इक्वल 867। अब बस हमें यहाँ पे इसको प्लस करना प्लस 102। अब प्लस 102 हो गया। अब यहाँ पे अब हमारा आंसर आ गया 867। अब हमें इसको दोबारा लेना है 255 इक्वल्स टू 102। अब 102 को हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 255 से बराबर आया इससे छोटा है। अब हम इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा आएगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने का, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हो गया 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो गाइस आ गया हमारा 2 2 4 0 2 1 2 204 हो गया। अब 204 में हम क्या प्लस करेंगे, 255 हो जाए। अब हम इसमें प्लस करेंगे 204 में प्लस 51, प्लस 51 जैसे गाइस हम इसमें करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 255। अब 255 को हम जैसे आ गया आंसर हमारा 255। अब हमें फिर से इधर ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है इधर लेना है 102, और फिर इसे 51 को इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हम इसके इक्वल है या फिर इससे छोटा है। अब गाइस हम देखिए सिर्फ 51 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, फिर हमें प्लस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे 0। अब ये 51 को इससे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 102 102। अब हमारा एच सी एफ है इसका 51। अब हम इसका आंसर लिख देंगे एच सी एफ इजिकल्स टू 51। तो गाइस बस यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसी तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और अब इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करना सिखाऊंगा, और सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको पार्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। ठीक है भाई। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए, क्योंकि मुझे आपके सवालों का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। और जब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। ठीक है, ओके ओके, टेक केयर, बाय।